ये वीडियो ध्यान से पूरा देख लेना, जो रियल रिस्क है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में वो आपको समझ में आ जाएगा, एंड आपका आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप न्यू है, डेफिनेटली पूरा देखो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि रियल रिस्क, असली में रिस्क, पैसा जो डूब जाएगा म्यूचुअल फंड में कितना होता है एंड क्यों डूब जाएगा, क्या रिस्क होनी चाहिए, पूरा वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। और ये वीडियो बहुत जरूरी था। अब इस वीडियो को मैं नहीं होगा तो चैनल ट्रेलर भी लगा दूंगा अपने दोनों चैनल पे, क्योंकि रिवॉर्ड से पहले, रिटर्न से पहले रिस्क का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, और एकदम बिंदास होकर आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, बस आप ये वीडियो पूरा देखो। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ द लेजेंडरी गेमर के क्वेश्चन को रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने पूछा, सर जी कुड यू एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन हाई रिस्क लो रिस्क, जैसे हम लोग बात करते हैं हाई रिस्क की स्टॉक है या हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड्स है, ये लो रिस्क की म्यूचुअल फंड है, तो ऐसा क्यों कोई बोलता है। व्हाट इट हैपेंड नो रिस्क इफ समबडी रिमेन इन्वेस्टेड 10 to 15 years, कोई रिस्क नहीं है अगर कोई 10 से 15 साल इन्वेस्टेड रहता है म्यूचुअल फंड में तो। इस पे भी बात करेंगे, पैसा जीरो कब हो जाता है इस पे भी बात करेंगे, क्या 10-15 साल सही में इन्वेस्टेड रहे तो नुकसान के चांस नहीं है इस पे भी बात करेंगे, सारी चीजों पे पूरा बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले लो रिस्क हाई रिस्क का कॉन्सेप्ट समझ लो, पैसा जीरो होने पे भी बात करेंगे, 10-15 साल में क्या होगा इस पे भी बात करेंगे। तो लो रिस्क और हाई रिस्क का क्या मतलब होता है, जैसे जनरली बोला जाता है, सारे लोग बोलते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हाई रिस्क म्यूचुअल फंड होते हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है। सबसे पहले थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करती है स्टॉक्स के अंदर, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होती है मेनली लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करती है, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होती है स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। तो यहां पे जो लार्ज कैप स्टॉक होती है वो क्या होती है, उसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है वो बहुत लार्ज होती है, भाई 1,00,000 करोड़ में या फिर कम से कम 50,000, 70,000, 80,000 करोड़, बड़ी मतलब मार्केट कैप वाली कंपनीज ये होती है। अब यहाँ पे ये जो बड़ी कंपनीज है इनके पास कैश रिजर्व भी बहुत सारा होता है, बहुत पैसा होता है कंपनी के पास, अगर ये चाहे तो डेट भी आराम से उठा सकती है इनके पास, मतलब सारी ही जो सुविधाएं होती है एक लार्ज कैप कंपनी के पास वो एक स्मॉल कैप कंपनी से कई ज्यादा होती है। अगर क्राइसिस का कोई समय आता है किसी भी रीजन से, कोई भी क्राइसिस का समय आता है, तो उस क्राइसिस को के समय को लंबे समय तक सरवाइव करने के लिए लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं उनके पास क्षमता ज्यादा है किसी स्मॉल कैप स्टॉक से, इस कारण से लार्ज कैप स्टॉक्स स्मॉल कैप स्टॉक से ज्यादा सेफ होते हैं। और कोई भी क्राइसिस के समय में लार्ज कैप स्टॉक की जो प्राइसेस होती हैं वो स्मॉल कैप स्टॉक से कम गिरती है, मतलब फंडामेंटल के बेसिस पे अगर देखें वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में आप प्राइस देखोगे तो किसी भी क्राइसिस के समय में लार्ज कैप का प्राइस ज़्यादा गिरता कम गिरता है, स्मॉल कैप का प्राइस ज़्यादा गिरता है। रीजन यही है कि सबको पता है कि किसी भी क्राइसिस को झेलने की क्षमता लार्ज कैप में ज़्यादा है स्मॉल कैप में कम है, बाकी अंदर के उसके लेवल पे रेवेन्यू प्रॉफिट में क्या हो रहा है वो बाद में आती है, सबसे पहले ये चीज़ आती है। कोई भी क्राइसिस हुआ स्मॉल कैप सीधा झड़ जाएगी और लार्ज कैप धीरे धीरे नीचे आएगी, तो सिंपल, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स की प्राइस फटाक से गिरती है और लार्ज कैप प्राइस की स्टॉक की प्राइस फटाक से नहीं गिरती है, लोगों को ये धारणा बना हुआ है, तो इस कारण से इसका असर हमें म्यूचुअल फंड्स पे भी देखने को मिलता है। किसी भी क्राइसिस के समय में लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड होती है वो कम गिरती है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले में, समझ में आ गया। अब होता क्या है कि अब आप तो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो, अंदर की बात तो आपको पता नहीं है, अब जैसे ही कोई क्राइसिस का समय आता है प्राइसेस गिरने लगते हैं स्टॉक्स के, स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरते हैं लार्ज कैप में कम गिरते हैं, तो आप क्या देखते हो कि अरे मैंने इन्वेस्ट किया इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा था अब घटने लगा रिटर्न, आप जल्दी जल्दी बेच कर हट जाते हो, ठीक है, पैनिक क्रिएट होता है, पैनिक सिनेरियो में आप बेच कर निकल जाते हो। अब क्योंकि स्मॉल कैप में जल्दी ज़्यादा गिरता है इसलिए स्मॉल कैप में आप जल्दी बेच के भाग जाते हो, और लार्ज कैप में धीरे गिरता है या कम गिरता है तो वहां पे आप नहीं भागते हो, या फिर कम, मतलब स्मॉल कैप के मुकाबले में कम भागते हो, स्मॉल कैप के मुकाबले में आपको लार्ज कैप में डर कम लगता है।
तो यहां पे रिस्क का क्या मतलब हुआ? रिस्क का मतलब हुआ वॉलेटिलिटी, कि आप वॉलेटिलिटी से डर कर अगर भाग गए नुकसान में बेचकर, गलती आपकी है, गलती मार्केट की नहीं है कि आप डर के भाग गए। तो यही हुआ कि स्मॉल कैप में जो वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है तो वहां पे आप डर के बेच के भाग जाओगे, इसका रिस्क ज्यादा होगा। लार्ज कैप में वॉलेटिलिटी कम होती है, डर के बेच के भाग जाओगे, इसका रिस्क कम है। अब दूसरे क्या इसका मतलब निकालते हैं, लेकिन रियल जो मीनिंग है रिस्क का वो यही है, रिस्क इज्वल टू वॉलेटिलिटी। रिस्क इज्वल टू पैसा जीरो हो जाना नहीं, रिस्क इज्वल टू वॉलेटिलिटी। म्यूचुअल फंड में तो पैसा जीरो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब फिर से समझो कि लार्ज कैप और मिड कैप में फिर वही सेफ और कम रिस्क हाई रिस्क में समझाता हूं कि देखो, क्योंकि प्राइसेस धीरे धीरे गिरती हैं, या फिर क्राइसिस के समय में ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करना लार्ज कैप के लिए ज्यादा आसान है, स्मॉल कैप के लिए मुश्किल है। तो कोई भी क्राइसिस आती है तो अगर किसी कंपनी को बंद होना पड़ता है, डीलिस्ट होना पड़ता है, खत्म हो जाना पड़ता है, तो पहले स्मॉल कैप होगी और लार्ज कैप बाद में होगी, या फिर नहीं होगी क्योंकि लार्ज कैप झेल सकती है उसको। तो इस कारण अगर आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो, तो स्मॉल कैप बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है वहां पे, बहुत ज्यादा रिस्की, और लार्ज कैप वहां पे रिस्की नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल कैप में आपका लिटरली पैसा जीरो के खत्म हो सकता है, लेकिन लार्ज कैप में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं किसी भी क्राइसिस के समय में। लेकिन जब स्मॉल कैप की बात आती है तो यहाँ पे सीन उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो या दो में कर रहे हो, लार्ज कैप में भी डायरेक्ट कर रहे हो तो एक में या दो में कर रहे हो। तो अगर उस एक में आपने पैसा लगाया या दो में लगाया और दोनों ही खत्म हो गए, तो आपका पूरा पैसा खत्म हो गया। लेकिन जब बात आती है म्यूचुअल फंड की, तो मिनिमम भी अगर स्मॉल कैप फंड में देखें तो मिनिमम भी 40, 50, 60, किसी किसी में तो 100 100 स्टॉक्स होते हैं। लाइक निप्पॉन इंडिया की बात करें, 100 से ऊपर स्टॉक्स हैं, मतलब 100 से ऊपर बिजनेसेस हैं। निप्पॉन इंडिया के अंदर में जो पैसा जा रहा है उसको उन 100 से ज्यादा बिजनेसेस में उसने इन्वेस्ट किया है। चलो मान लेते हैं 10 बिजनेस खत्म हो गया उस 100 में से, 20 बिजनेस खत्म हो गया 100 में से, तो क्या होगा? इसके रिटर्न पे असर आएगा, रिटर्न थोड़ा कम बनाएगी, लेकिन पैसा जीरो नहीं होगा। जीरो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके पास 100 रुपए थे, उसको आपने 100 बिजनेस में लगाए, 20 बिजनेस बंद हो गई तो आपका 20 रुपया गया, लेकिन बाकी के जो 80 रुपए बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं, और वो फिर ग्रो होंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। थोड़े टाइम के लिए रिटर्न पे असर जरूर आएगा, लेकिन पैसा जीरो नहीं होगा। पैसा जीरो होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि अगर 100 रुपए 100 अलग अलग बिजनेस में लगाए हैं म्यूचुअल फंड ने, और वो 100 का 100 बिजनेस स्वाहा हो जा रहा है, तो पैसा जीरो होगा। क्या आपको लगता है कि कोई भी इतना बेवकूफ फंड मैनेजर है कि उसने अगर 100 बिजनेस या छोड़ो 50 बिजनेस चुने हैं, लाइक 50 तो लगभग सारे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ फोकस्ड फंड को छोड़ के, तो क्या इतना बेवकूफ है कोई फंड मैनेजर? किसी भी स्कीम की इक्विटी रिसर्च की जो टीम है वो इतनी बेवकूफ है कि 50 स्टॉक में उसने इन्वेस्टमेंट किया है या 100 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है और सब का सब फेल हो गया, और पता नहीं चला इनको कि उसमें से पैसा निकाल सके तभी? नहीं, इतनी बेवकूफ किसी भी स्कीम की मैनेजमेंट टीम नहीं होती है कि वो जितने भी बिजनेस में पैसा लगाएगी वो सब बंद हो जाएगा। तो पैसा जीरो होना एकदम नामुमकिन है, एकदम नामुमकिन के बराबर है पैसा जीरो होना म्यूचुअल फंड में। आपको रिस्क भी समझा दिया, आपको जीरो होना कब होगा पैसा ये भी समझा दिया। तीसरी चीज समझाता हूं, देखो AMFI कहती है, जो म्यूचुअल फंड की एसोसिएशन कहती है, अगर आप मिनिमम भी 5 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हो तो लगभग केसेस में आपका जो निगेटिव रिटर्न का जो चांस है वो खत्म हो जाता है। मतलब अगर 5 साल तक आप रेगुलर SIP अच्छे से कर रहे हो तो आपका जो पैसा जमा हुआ है वो निगेटिव में नहीं होगा, इसकी बहुत ज्यादा चांसेस होती है। लेकिन जब अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की 10 साल 15 साल तक, तो एक जो मार्केट का साइकिल होता है लगभग वो 5 साल का होता है। ऐसा कहा जाता है कि 5 साल के टाइम पीरियड में एक बुल रन और एक बियर रन खत्म हो जाता है। एक बियर साइकिल और एक बुल साइकिल, इस दोनों को मिलाकर मार्केट का एक साइकिल कहा जाता है। और मतलब नॉर्मली हर बार 5 साल के टाइम पीरियड में ये एक साइकिल, एक बियर का साइकिल, एक बुल का साइकिल खत्म हो जाता है।
तो अगर हम 15 साल तक इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली 2-3 साइकल्स यहाँ पे क्रॉस हो जाते हैं, और ये 2-3 साइकल्स की जो वॉलिटिलिटी है वो भी वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो है नुकसान में तो होना छोड़ो, अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांस यहाँ पे हो जाते हैं अगर आप स्मॉल कैप में डालते हो पैसा। तो अब देखो स्मॉल कैप में क्या, क्यों मैं बोलता हूं हमेशा कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हमारा पैसा बहुत सारी कंपनीज में बढ़ जा रहा है, पैसा 0 होने का चांस खत्म है। अगर हमें वॉलिटिलिटी से डर नहीं लग रहा है, अगर मार्केट गिर रही है हम डर के भाग नहीं रहे हैं क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर है फिर बदल करने के लिए, हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस बने रहना है, इन्वेस्टेड रहना है, डर के नहीं भाग रहे, तो हमारा पैसा नुकसान भी नहीं हो रहा है। नीचे गिरेगा, बियर मार्केट आई है, बियर साइकिल आया, नीचे गिर रहा है, फिर बुल साइकिल में वो ऊपर जाएगा। अगर ये चीज को हम समझ जाएंगे, दिमाग में बैठा लेंगे, तो हमें कभी भी नुकसान नहीं होगा। रिस्क का मतलब म्यूचुअल फंड में सिर्फ और सिर्फ वॉलेटिलिटी होती है। अगर आप उस वॉलेटिलिटी को झेल कर लंबे समय तक बने रह जाते हो आपको नुकसान नहीं होगा म्यूचुअल फंड में। ये चीजें आपको समझनी होगी और दूसरों को भी समझानी होगी जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप नहीं समझेंगे तो हर बार आप जब भी मार्केट गिरेगा आप पैनिक करेंगे, डरेंगे, आपको हार्ट अटैक भी ना आ जाए। तो ये सब सिचुएशन से बचो, क्योंकि इसके लिए आपको एकदम देखो इतनी सिंपल चीजें समझना। आपने दिया म्यूचुअल फंड को पैसा, म्यूचुअल फंड ने 100 कंपनीज में पैसा को बांट के इन्वेस्ट कर दिया, वहां पे एक क्वालिफाइड पर्सन बैठा हुआ है, एक पूरी टीम बैठकर ये देख रही कि सब कंपनी में क्या हो रहा है, कब क्या कैसे करना है। इससे और ज्यादा सेफ्टी क्या हो सकती है। अब स्मॉल कैप में डाला है तो वॉलिटिलिटी होगी, ये आपको मान के चलना होगा, बहुत गिरेगा नीचे और बहुत ऊपर भी भागेगा। अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो आपको झेलना पड़ेगा वॉलेटिलिटी को, समझना पड़ेगा कि ये कुछ नहीं है, ये बस ऊपर नीचे हो रहा है, ये मार्केट पार्ट ऑफ मार्केट है। और जब से आप ये समझ के इन्वेस्टमेंट करोगे आपको कभी नुकसान नहीं होगा ना कभी डर लगेगा, कोई रिस्क नहीं होगा अगर आप ऐसे करोगे तो। रिस्क सिर्फ वही होता है कि गिरावट के टाइम में आप अगर बेच देते हो तो वो आपने नुकसान को बुक कर लिया, लॉस हो गया आपको। अगर आप बने रह गए तो फिर जब वो वापस जाता है तो अच्छा प्रॉफिट देता है।